सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हर एक सिविल इंजीनियर के लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब उसे साइट में सेप्टिक टैंक से डील करना पड़ता है। जहां पे भी कंस्ट्रक्शन का काम होगा, जैसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, इंडिविजुअल हाउसेस, फ्लैट, विलास, बंगलो, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, मॉल, हर एक कंस्ट्रक्शन में सीवेज वाटर के आउटलेट के लिए सेप्टिक टैंक का बनना कंपलसरी है। और एक साइट इंजीनियर को सेप्टिक टैंक का डिजाइन, मतलब कौन सा टाइप का सेप्टिक टैंक यूज होने वाला है, उसकी ड्राइंग रीड करते हुए एग्जीक्यूट कैसे करवाना है, इसकी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। एक बार की बात है, मेरे प्यारे मित्र, नाम नहीं लेना चाहूंगा, साइट में सेप्टिक टैंक का काम करवा रहे थे, तो अकेले ही पूरा साइट संभालते थे, एज अ साइट इंजीनियर सारी चीज मैनेज करते थे। उनके पास सेप्टिक टैंक का ड्राइंग आया, उन्होंने ड्राइंग रीड करते हुए जैसे ड्राइंग में मेंशन किया गया था वैसे एग्जीक्यूट करवा दिया। लेकिन बाद में पता चला जहां से इनलेट था, मतलब जहां से सीवेज वाटर एंटर करना था, वहां उन्होंने उल्टा स्लोप दे दिया, और जहां आउटलेट था वहां से वेस्ट वाटर के साथ स्लज जा सकता था क्योंकि स्लोप उल्टा था। तो ये गलती पकड़ में आई कि ड्राइंग में करेक्शन था। लेकिन अगर उन्होंने सेप्टिक टैंक का कॉन्सेप्ट को समझा होता तो ये स्लोप उनको तोड़ के फिर से बनाने की जरूरत नहीं होती। तो आइए इस वीडियो में जानेंगे सेप्टिक टैंक के बारे में कि कितने टाइप्स के सेप्टिक टैंक होते हैं, कौन सा सेप्टिक टैंक कहां यूज किया जाता है, सेप्टिक टैंक काम कैसे करता है। सबसे पहले बात करते हैं सेप्टिक टैंक क्यों बनाया जाता है। सेप्टिक टैंक सीवेज कलेक्ट करता है और ट्रीट करता है बाय बैक्टीरियल डीकंपोजिशन, जिसको अंडरग्राउंड में ही बनाया जाता है। अब बात करते हैं सेप्टिक टैंक के डिजाइन के बारे में। सेप्टिक टैंक का डिजाइन डिपेंड करता है नंबर ऑफ यूजर एंड इंटरवल ऑफ स्लज रिमूवल पे। फॉर एग्जांपल, एक घर में अगर 7 मेंबर्स है तो 7 लोगों के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा टैंक को। अगर किसी हॉस्टल की कैपेसिटी 200 बच्चे की है तो 200 लोगों के हिसाब से टैंक डिजाइन किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू IS कोड 2470.1 1985, मिनिमम लेंथ होना चाहिए 750 mm और मिनिमम डेप्थ होना चाहिए 1000 mm बिलो वाटर लेवल। मिनिमम लिक्विड कैपेसिटी होनी चाहिए 1000 liters। सबसे पहले आपको वॉल्यूम ऑफ टैंक कैलकुलेट करना होगा, जिसके लिए आपको लेंथ, विड्थ, डेप्थ रिक्वायर्ड होगा, जो कि अकॉर्डिंग टू IS कोड नंबर ऑफ यूजर्स के हिसाब से कोड में दिया गया है, तो वहां से आप पता लगा सकते हैं। और एक दिन में एक पर्सन का वाटर कैपेसिटी का यूसेज 200 लीटर्स पर हेड होता है फॉर फुल सिस्टम के लिए, लेकिन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सोसाइटी के लिए 135 लीटर पर हेड कैपेसिटी होता है। नाउ, नंबर ऑफ यूजर्स, वाटर कैपेसिटी पर कैपिटा और डिटेंशन पीरियड, जो कि कहा जाता है ऐसे इंटरवल को जब वाटर स्लज के साथ एंटर करता है और डीकम्पोज होने तक का पीरियड कहलाता है, मतलब कितना समय के लिए टैंक में स्लज कैरी करेगा। अब बात करते हैं सेप्टिक टैंक के कंपोनेंट्स के बारे में। सेप्टिक टैंक में होता है इनलेट, जहां से ह्यूमन एक्सक्रीटा एंटर करेगा। टैंक में 2 चैंबर्स होते हैं और बीच में होता है बफल वॉल। 2 चैंबर्स जो होते हैं उसे कहते हैं प्राइमरी चैंबर्स और सेकेंडरी चैंबर्स। प्राइमरी चैंबर्स में ह्यूमन एक्सक्रीटा इनलेट से एंटर करता है और टैंक में ही सेटल होकर डीकंपोजिशन होगा, और सेकेंडरी चैंबर में वेस्ट वाटर आउटलेट के थ्रू बाहर निकल जाएगा और सीवेज ट्रीटमेंट के लिए चला जाएगा। बीच में जो बफल वॉल होता है उसका यूज ह्यूमन एक्सक्रीटा को वाटर के साथ डायरेक्ट आउटलेट में बाहर जाने से रोकने के लिए होता है। आप चाहे तो बफल वॉल इनलेट के पास या फिर आउटलेट के पास, दोनों में भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं सेप्टिक टैंक के टाइप्स की। जनरली मटेरियल्स के बेसिस पे सेप्टिक टैंक को क्लासिफाई किया गया 4 टाइप्स में। पहला है कॉन्क्रीट सेप्टिक टैंक। सबसे पहले एडवांटेज कंक्रीट सेप्टिक टैंक का होता है कि लाइफ स्पान बहुत ज्यादा होता है। स्ट्रॉन्ग मटेरियल होने की वजह से बहुत लंबे समय तक टैंक रहता है। ये रस्ट प्रूफ भी होते हैं। इसकी ड्रॉबैक के बारे में बात करें तो एज कंपेयर टू अदर मटेरियल्स, कंक्रीट सेप्टिक टैंक थोड़ा कॉस्टली होता है। अगर डैमेज हो गया तो रिपेयर करने में दिक्कत होती है। जो प्रीकास्ट कंक्रीट टैंक्स होते हैं उसको ट्रांसफर करने में, इंस्टॉल करने में थोड़ा मशक्कत करनी पड़ती है। अगर लो क्वालिटी वाले कंक्रीट मिक्स यूज किया जाए तो क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं और उसे सीपेज हो सकता है। नेक्स्ट है स्टील सेप्टिक टैंक। क्योंकि स्टील मटेरियल से बनने के कारण कॉस्ट में बहुत ज्यादा होता है। बहुत रेयरली आजकल इसका यूज किया जाता है क्योंकि स्टील टैंक बहुत हैवी होता है,
दे विल नॉट फ्लोट व्हेन वाटर टेबल इज नियरर टू द टैंक। स्टील मटेरियल की रेसिस्टेंट अच्छी होती है अगेंस्ट बॉयंस फोर्स। स्टील सेफ्टी टैंक की लाइफ स्पान कम होती है क्योंकि स्टील बहुत ज्यादा कोरोजन का शिकार होता है। प्राइस भी बहुत ज्यादा होती है। इट इज हार्ड टू रिमूव करोड फ्रॉम पार्ट ऑफ टैंक। तो ये सारे लिमिटेशंस भी होती है एक स्टील सेप्टिक टैंक में। नेक्स्ट है प्लास्टिक सेप्टिक टैंक। प्लास्टिक सेप्टिक टैंक बनता है पॉलीइथिलीन प्लास्टिक, हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड पॉली सेप्टिक टैंक्स। ये बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है कॉन्क्रीट और स्टील का। बहुत ही लाइट वेट होता है सो इंस्टॉल करने में, हैंडल करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। इसके एडवांटेजेस के बारे में और बात करें तो प्लास्टिक सेप्टिक टैंक इकोनॉमिकल होता है, इजी टू यूज, बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है, इजी टू इंस्टॉल, और उसी के साथ गुड केमिकल रेसिस्टेंस भी है। इट इज ऑल्सो रस्ट प्रूफ, गुड रेसिस्टेंस अगेंस्ट क्रैकिंग। ड्रॉबैक्स के बारे में बात करें, जब वाटर टेबल नियर होता है टैंक के तो अपवर्ड जो फोर्स के कारण वाटर पुश करता है टैंक को और अनस्टॉल हो सकता है। प्लास्टिक सेप्टिक टैंक के ऊपर हैवी वेट्स नहीं रख सकते क्योंकि प्लास्टिक अपना शेप चेंज कर सकता है, डिफ्लेक्ट भी हो सकता है जिसके वजह से टैंक एक्सप्लोड भी हो सकता है। नेक्स्ट है फाइबर ग्लास सेप्टिक टैंक। फाइबर ग्लास सेप्टिक टैंक को बनाया जाता है फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक से। ये प्लास्टिक सेप्टिक टैंक से सिमिलर है लेकिन रेनफोर्समेंट ऑफ ग्लास फाइबर इनको प्लास्टिक सेप्टिक टैंक से मजबूत बनाते हैं। इसका एडवांटेज है चीपर देन स्टील एंड कॉन्क्रीट टैंक। स्ट्रेंथ अच्छी होती है प्लास्टिक टैंक के कंपैरिजन में। हाई ड्यूरेबिलिटी होती है, रस्ट प्रूफ, वाटर टाइट। इसके ड्रॉबैक के बारे में बात करें तो प्लास्टिक सेप्टिक टैंक की तरह ही फाइबर ग्लास सेप्टिक टैंक भी रसिस्ट नहीं कर सकता बॉयंट फोर्स को और अनइंस्टॉल होने का खतरा होता है अगर वाटर टेबल पास में है। तो आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से साइट में डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सेप्टिक टैंक यूज होने वाला है और सेप्टिक टैंक का डिजाइन कैसे किया जाता है। इंजीनियर्स, यदि आप अपने करियर में ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं तो सिविल गुरुजी आपकी मदद करना चाहता है। कॉल कर सकते हैं 9111001234 पे क्योंकि गाइडेंस लेना जरूरी है ताकि आप सही रास्ता चुन सके। तो फोन उठाए और कॉल करें 9111001234 पे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर करें ताकि अपकमिंग वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।